डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको अच्छे से गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो आप लोग लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझिए। बिल्कुल बहुत ही इजी लगेगा आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा, लेकिन आपको क्लियर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी, एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। ऐसा क्वेश्चन 12 नंबर के भी क्वेश्चन में था, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये था कि नीचे वाला जो भुजा है ना बी सी, वो पी आर के क्यू आर के इसमें था, प्रोपोर्शन में था, लेकिन इसमें उल्टा होगा। तो थोड़ा सा तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। ये मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, ए बी सी और पी क्यू आर। ए डी मीडियन है और पी एम मीडियन है। तो सबसे पहले लिखना है, दिया है त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में ए डी एवं पी एम माध्यिका है। ठीक है, इतना है। इसलिए हमारा क्या होगा, सी डी इज इक्वल टू डी बी पहला, एवं आर एम इज इक्वल टू एम क्यू। लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, और क्या दिया हुआ हमारा, तथा ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन में दिया हुआ ना, ए सी बाय पी आर और इसके मेडियन ए डी बाय पी एम, ये बराबर दिया हुआ। ठीक है, प्रोपोर्शन में दिया हुआ। 12th वाले क्वेश्चन में क्या था, ये वाला जो है पोर्शन मतलब कि इसके समानुपाती था, तो उसमें तुरंत हो गया था क्योंकि ये मीडियन था, तो ये से ये एंगल बराबर हो गया था। लेकिन इसमें है ऐसा नहीं है। अब देखिए, ये वाला इसके प्रोपोर्शन में है, ये वाला इसके प्रोपोर्शन में है, दो प्रोपोर्शन हो गया। मतलब कि हमारी जो जितने हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो था डबल ए एस ए एस ट्रिपल एस एस ए एस, ये था ना। तो दो तो भुजा हमारा हो गया समानुपाती। अगर उसके बीच का एंगल बराबर हो जाता है, ये वाले एंगल बराबर हो जाता है, तो हमारा काम बन जाएगा। अब इसके लिए हम लोगों को रचना करना पड़ेगा। क्या रचना होगा इसको, ये मीडियन है ना, इतना भी बढ़ाना है आगे बराबर में और इसको मिला देना है। ठीक है, इसको अगर आप थर्ड 3 मार्क दे करके इसको दिखाना चाहते तो इतना बराबर यहाँ पे ई लिख दीजिए। ए डी को बढ़ा करके ई तक लेके आए, इस प्रकार के ए डी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, सेम इसमें भी बढ़ाएंगे और इसको मिला देंगे। कहाँ तक, एम और एन कर लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, अब इसको ये वाला और ये वाला बराबर है। ठीक है, और क्या करते हैं, इसमें नॉमेन क्लेचर भी कर देते हैं हम लोग। ये एंगल बराबर करना ना, तो दो भाग में बटा हुआ, एक इसको कर देते दो,
या हम लोग कर देते हैं 3 या 4, ठीक है, इतना नॉमेनक्लेचर अब हम लोगों ने कर दिया। अब इसमें क्या लिखेंगे, रचना होगा। तो पहले तो सिद्ध करना है, लिखते हैं सीधे क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब यहाँ लिखेंगे रचना, क्या किया हम लोगों ने, एडी को ई तक एवं पीएम को एन तक इस तरह या इस प्रकार बढ़ाया कि एडी इज इक्वल टू डीई एवं पीएम इज इक्वल टू एम एन, इतना लिख लिया हम लोगों ने। तथा इसको ई को बी से मिलाया, ई को बी से एवं एन को, ये वाला एन को क्यू से मिलाया, एन को क्यू से मिलाया, ये रचना हो गया हमारा। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता, क्या होगा देखिए, अब ये दोनों एंगल में देखेंगे, ये दोनों ट्रायंगल में ए डी सी और ई बी डी में मेन पर्पस क्या है हमारा, ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के बराबर करना है और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर करना है, समझ में आई। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको बढ़ाया ताकि अगर ये ट्रायंगल ए ई बी, इसको ढक देते हैं, अगर ये वाला ट्रायंगल ए बी ई ये वाले ट्रायंगल पी क्यू एन के सिमिलर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, एक एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऐसे कर देते हैं तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 और 2 और 3 और 4 बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा मोटिव है, समझ में आई बात। और ये किस तरह से सिमिलर होगा, ये देखिए, ये सामने वाला कोण जो शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं ये तो बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला भुजा क्या है, बराबर है, और ये वाला जो है भुजा भी बराबर है क्योंकि ये मीडियन है ना, सी डी इज इक्वल टू डी बी, डी बी है। तो यहाँ से सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज के सर्वांगसम, तो इनमें ए सी इज इक्वल टू बी ई हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्रमाण में, क्या है हमारा ट्रायंगल ए डी सी एवं ट्रायंगल ई डी बी में देखेंगे क्या, ये वाला एंगल का नाम दे देते हैं हम लोग 6 और 7, सेम इसमें भी 8 और 9 कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा एंगल एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और क्या है हमारा ए डी इज इक्वल टू ई डी, कहाँ से, रचना से, हमने रचना से किया था ना इसको बराबर, और सी डी
इज इक्वल टू डी बी क्या है, ए डी मीडियन है, ए डी माध्यिका है, इसलिए इसलिए एस ए एस सर्वांग समता से ट्रायंगल ए डी सी सर्वांगसम होगा, एंगल ई ट्रायंगल ई डी बी के। और आपने सी पी सी टी पढ़ा होगा नाइन्थ में कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके जो संगत कोण है और संगत भुजा है बराबर होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा एंगल, ये वाला एंगल देखिए, एंगल नहीं भुजा देखिए, भुजा ए सी बराबर हो जाएगा ई बी के, ठीक है। इसको आप कोई ये वाला जो ए सी है ई बी के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को जो ये वाला भुजा के पहले से समानुपाती दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर ये वाला भुजा ये वाले भुजा के बराबर मतलब समानुपाती है तो क्या हुआ ना, ये वाला भुजा को शिफ्ट कर दी यहाँ पे, ठीक है, और सेम इसको भी शिफ्ट कर दें यहाँ पे, तो मतलब बी ई समानुपाती हो जाएगा क्यू एन के, ठीक है। तो एक भुजा समानुपाती हो गया और ये वाला समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों, अच्छा पहले इसको देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसको समीकरण एक मान लेते हैं। अब त्रिभुज पी एम आर एवं त्रिभुज एन एम क्यू में क्या है हमारा, पी एम इज इक्वल टू एम एन किससे, रचना से, और एंगल आठ इज इक्वल टू एंगल नौ, कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और क्या था हमारा, आर एम इज इक्वल टू एम क्यू, ये हो गया। इसलिए क्लियर नहीं हो रहा, एक मिनट, इसलिए त्रिभुज नहीं कौन सा एस ए एस सर्वांग समता से कौन सा त्रिभुज था हमारा, पी एम आर सर्वांगसम है त्रिभुज एन एम क्यू के, इसलिए सी पी सी टी से। पी आर इज इक्वल टू एन क्यू, इसको दो मान लेते हैं समीकरण। क्लियर है। अब हम लोगों को क्या दिया हुआ था, ए बी और अब एक बार तो अब लिख दिए तो इसलिए और अब लिखते हैं फिर से ताकि बार बार अब अच्छा नहीं लगता है। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम, कहाँ है ये दिया है, कहाँ से लिखा हूँ आप यहाँ देखिए,
क्या शिफ्ट करना था? एसी और पीआर को शिफ्ट करना था, एसी और ये वाला पीआर को, क्योंकि एसी इज इक्वल टू बीई हो गया और पीआर इज इक्वल टू क्यूएन हो गया, इतना तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से बढ़ाएंगे इसको, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू, ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी ई बाय एन क्यू इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कट कट जाएगा, रीज़न मैं बताऊँगा बाद में। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण वन एवं टू से, क्यों? क्योंकि ये बी वहीं से लिखा ना मैंने, ए सी इज इक्वल टू बी ई, ये है सेम, इसलिए समीकरण वन समीकरण टू से लिखें। अब टू ए डी टू पी एम, यहाँ देखिए ए डी को दो बार की, ए डी और डी ई बराबर है ना, इसलिए इसको दो गुना लिख सकते हैं, तो दो गुना लिखेंगे तो ए ई हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को? ये वाला अगर एक है ये भी एक ही हो गया, क्योंकि बराबर मैंने खींचा तो एक प्लस एक दो हो गया ना, तो टू इंटू इतना करेंगे तो पूरा हो जाएगा ना, क्योंकि बराबर, सेम इसमें भी पी एम बराबर है एम एन के, अगर पी एम का दुगुना करते हैं तो पी एन हो जाएगा ना, वही लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ए बी बाय पी क्यू, अब पूरा जगह पे आ गया, पूरा क्लियर है, बाय एन क्यू इज इक्वल टू ए ई बाय पी एन। अब क्या हो गया, इसको ढकिए, ये वाला ट्रायंगल ए बी ई और ये वाला पी क्यू एन दोनों सिमिलर हो गया, क्योंकि ये भुजा ए बी पी क्यू के और बी ई क्यू एन के और बड़ा वाला इसके बराबर हो गया, समानुपाती हो गया, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री हो जाएगा, इसलिए एस 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 समरूपता या प्रमेय क्या था, 6.4 से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिखेंगे, ए बी ई और पी क्यू एन, ए बी ई सिमिलर हो गया त्रिभुज पी क्यू एन के, इसलिए इसलिए एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, सिर्फ इतना ही लेना था, एंगल वन इंटू इसको समीकरण वन मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली, और ये जो मैंने सिमिलरली लिखा है, आप इंग्लिश का छोटा मोटा वर्ड यूज कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तो कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली एंगल टू, या सिमिलरली ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं लिखेंगे, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, कैसे ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ भी एक ड्रॉ कर लेते हैं तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल के ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा, तो ये पूरा जो ट्रायंगल इधर का है सेम इधर का भी बराबर हो जाएगा, तो दो कोण कोण चार के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बी ले लेते हैं, अब क्या करेंगे, अगर एक और तीन को जोड़ते हैं, नहीं एक, आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इसमें दो भाग बढ़ गया, कौन कौन सा है, एक है दो है, और इसमें क्या हो गया, तीन हो गया चार हो गया, समझ रहे हैं बात को? अगर एक दो मिल के कुछ एंगल बन रहा होगा, तीन के जगह पे आप एक लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि एक इज इक्वल टू तीन है, और चार के जगह पे दो लिख सकते हैं, दो तो बराबर हुआ, यहाँ भी एक द्वारा, यहाँ भी एक द्वारा, समझ गए?
इसलिए समीकरण ए एवं समीकरण बी से क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस वन प्लस टू इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, ये बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब हो गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या सब है हमारा, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ये तो दिया हुआ है, दिया है ठीक है, एवं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, या एंगल ए को आप बी ए सी लिख सकते हैं और इसको पी क्यू आर है ना, इसको आप लिख सकते हैं क्यू पी आर एंगल, है ना। बात एक ही है, एंगल ये दो ठो ट्रायंगल को करना था ना, ए बी सी और पी क्यू आर को, ये वाली भुजा के पहले से समानुपाती है और ये वाली भुजा के समानुपाती है और बीच वाला एंगल बराबर है, तो एस ए एस यहाँ पे, इसलिए प्रमेय 6.5 से या एस ए एस समरूपता से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, इतना ही प्रूफ करना था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो, क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रोसेस वर्क, इतना बड़ा जो मैंने लिख दिया ये मत देखिएगा क्या लिखा, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन यहाँ तक तो आपका कुछ नहीं किया, जो था वही मैंने उतारा, काम स्टार्ट होता है ये वाले पार्ट से, ये वाला पार्ट क्या, ये एंगल को बराबर करने के लिए सिर्फ ये वाले जो कंस्ट्रक्शन किया है इसको शिफ्ट कर दिया हूँ, बहुत इजी है, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सारे डाल दिए हैं, आप लोग अगर नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और मेरा एक टेलीग्राम का भी चैनल है, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ख़त्म होने के बाद पूरा मैथ ख़त्म होने के बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह उस पर डालूंगा, और जितने भी वीडियो हैं सबकी नोटिफिकेशन उस पर मिलती है, तो आप उस पर अपडेट रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।